हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड मैंने देख ली है एनिमल एंड ट्रस्ट मी द हाइप इज रियल। तो इस वीकेंड क्लैश था बिटवीन टू ग्रेट मूवी, सैम बहादुर एंड एनिमल। भाई इतने प्रमोशंस मैंने और किसी मूवी के नहीं देखे लेटली जितने इस मूवी के देखे हैं, और इन दोनों में से भी एनिमल के तो इतने हुए हैं प्रमोशन कि कोई हिसाब ही नहीं है। आई एम श्योर आपने भी जरूर देखा होगा बॉबी देओल और रणबीर कपूर को हर जगह, और फिर मूवी की स्क्रीनिंग पर द होल फैमिली वॉज टुगेदर। देयर वॉज नीतू जी, देयर वॉज आलिया, देयर वॉज शाहीन, देयर वॉज सोनी राजदान, बॉबीज फैमिली, एवरीवन। दे इवन केम टू सीपी। ब्रो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। एनीवे लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। बाय द वे आज मैं सैम बहादुर देखने भी जा रही हूँ, तो अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। सो बेसिकली इट्स सुपर पावर पैक्ड एक्शन वाली मूवी जिसकी एक ड्रामेटिक और इमोशनल स्टोरी भी है, जो मैंने ऑनेस्टली बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई मीन इतना ड्रामा तो एब्सोल्युटली नहीं किया था। प्लस भाई ये मूवी 3 घंटे 20 मिनट की है। टू बी ऑनेस्ट एक पॉइंट पे तो मैं थक गई थी बैठे बैठे कि भाई खत्म क्यों नहीं हो रही। तो बेसिकली द स्टोरी इज अबाउट रणबीर कपूर एंड हिज फादर अनिल कपूर एंड देयर सुपर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। रणबीर ऑब्सेस्ड है अपने फादर से अटेंशन पाने के लिए, और उनके फादर एक बिग बिजी बिजनेसमैन है जिनके पास फैमिली को देने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। बट रणबीर उनकी नजरों में वैल्यू पाने के लिए इतना डेस्परेट है कि वो कुछ भी कर लेगा उसके लिए, चाहे वो फिर गुंडा बनना हो, मर्डर्स करना हो, या फिर हर तरीके की मॉरल और एथिकल लाइन क्रॉस करना हो, ही विल डू इट। तो ऑब्वियसली मैं स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगी। बर्ड्स आई व्यू में स्टोरी ये है कि रणबीर अपने पापा से बहुत प्यार करता है, और अगर उनको कोई भी किसी भी तरीके से हर्ट करने की कोशिश करता है तो ही मेक्स श्योर कि उस बंदे को पनिशमेंट मिल रही है। एंड ऐसे ही एक दिन अनिल कपूर अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं और उनके ऊपर होता है शूट आउट जिसमें उनको गोलियां लग जाती है। नाउ रणबीर गेट्स टू नो अबाउट इट एंड ही ट्राइज टू फाइंड आउट कि इसके पीछे कौन हो सकता है, एंड इवेंचुअली ही डज फाइंड इट आउट। और उसी जगह आता है वो एपिक फाइटिंग सीन जिसकी हर जगह बात हो रही है, जिसमें रणबीर किल्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ दीज मास्क्ड मेन विद हिज मशीन गन। भाई ये सीन ना इट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। काफी एफर्टलेस लगा वो देखने में, एंड उसी टाइम पर पीछे वो बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है एंड वो अर्जन वैली वाला गाना आता है, और भाई क्या गूस फ्लश आते हैं उसके बाद। इट्स सो इम्पैक्टफुल, सो गुड। प्लस आई गॉट टू नो वो जो मशीन गन है वो एक्चुअली संदीप वांगा ने को डिजाइन की है, और वो इंडिया में ही बनी और असेंबल हुई है। दैट इज एक्चुअली कमेंडेबल। और ये सब के साथ पैरेलली रणबीर और रश्मिका का रोमांस भी चलता रहता है, एंड इवेंचुअली उनकी शादी भी हो जाती है। तो उनकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप, इनफिडेलिटी, काफी कुछ दिखाया है। स्टोरी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपने पहले कभी देखी ना हो, बट एक कॉम्प्लिकेटेड फादर सन रिलेशनशिप दिखाया है जो हमें स्पेशली हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंडियन फादर्स डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स मच। तो मुझे लगता है काफी लोग इस इक्वेशन से रिलेट कर पाएंगे। बाकी पूरी मूवी में काफी सारा एक्शन, काफी लड़ाई झगड़ा, काफी मारकाट, काफी खून खराब है, और जो ट्रेलर में दिखाया था ना उसके बेसिस पर तो आप 1% मूवी को जज नहीं कर सकते। इट्स लाइक 100 मोर थिंग्स इन द एक्चुअल स्टोरी। काफी सारे न्यू लोग, रिश्ते, एंगल्स एंड एक्सीडेंट्स हैं इस स्टोरी में, तभी इतनी लंबी है भाई। इसीलिए काफी चीजें बीच में बहुत अननेसेसरी और बहुत फोर्स्ड लगी। प्लस लॉर्ड बॉबी का वेट करते करते मैं तो थक गई भाई साहब। उनके इस मूवी के रोल से ज्यादा ना उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपीयरेंस दी है। भाई पहले पूरे 2 घंटे की मूवी में ना कोई नामो निशान नहीं है बॉबी देओल का, एंड जब रोल आया तो वो भी बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए। ऑल्सो द मूवी इज ए रेटेड, तो काफी सारी चीजें ऐसी है जो एक्सप्लिसिट है मूवी में, बट उसमें भी काफी चीजें अननेसेसरी थी। मतलब उनके बिना काम चल सकता था, बट नहीं, डाल लिया डायलॉग्स। बट एक डाउट मेरे दिमाग में अभी भी है कि अगर ए रेटेड मूवी है और उसमें इतना सारा फैमिली ड्रामा भी है तो व्हाट इज द पॉइंट, आप फैमिली के साथ देख तो सकते नहीं हो। एनीवे इट वाज अ वेरी सटल क्यू कि फैमिली के साथ मत देखना भाई। एंड जस्ट व्हेन आई वाज अबाउट टू लीव द थिएटर तब हुआ एक धमाका। Bro, the post credit scene just blew my mind. लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक चीज बता सकती हूँ कि there is going to be a part 2. And man, I'm so looking forward to it. Cast की बात करें तो the cast is so on point, but सिर्फ एक misfit है, वो है रश्मिका। I mean it was so underwhelming to see her. पता नहीं, I don't know if it was her acting or I don't know, there was something really wrong. Otherwise, Ranbir did a fab job. मैं personally इस पूरी movie का credit सिर्फ Ranbir को दूंगी. He legit stole the show. सच में मजा आ जाएगा आपको उसकी performance देख के. Bobby Deol का role was also very good. Anil Kapoor was great as usual. And काफी सारे और बहुत पुराने चेहरे भी हैं इस movie. So there is Suresh Oberoi, there is Shakti Kapoor, there is Prem Chopra, Madhu Raja, Saurabh Sachdeva, Siddhant Karnik, Kripti Dimri, everybody was just so good in their roles. So इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है संदीप रेड्डी वांगा, और उन्होंने ही कबीर सिंह भी बनाई है। बट मेरे को सच में बिल्कुल समझ नहीं आया कि भाई इस मूवी में रणबीर का कैरेक्टर इज एग्जैक्टली सेम लाइक कबीर सिंह, एकदम सेम। लुक से लेकर मैनरिजम्स, हरकतें, सब एकदम सेम। अब ऐसा क्यों है वो मुझे नहीं पता। Lastly, the songs. इस मूवी में आई थिंक 6 या 7 सॉन्ग्स हैं, एंड ऑलमोस्ट सारे बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए तो अर्जन वैली इज ऑन लूप ऑलरेडी। एक पापा मेरी जान वाला सॉन्ग है, वो आपको मल्टीपल टाइम सुनने को मिलेगा पूरी मूवी में।
में. साथ में सतरंगा वाला सॉन्ग इज ऑल्सो गेटिंग प्रीटी फेमस. तो ट्रैकलिस्ट तो काफी अच्छी है, उसने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया. सो बिकॉज आई लव द मूवी बट इट कुड हैव बीन अ लिटिल शॉर्टर एंड जो फालतू की एक्सप्लिसिट चीजें वो थोड़ी सी कम हो सकती थी, इसीलिए आई एम गोइंग टू गिव इट अ 4/5. इफ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलना. इसके अलावा रिमेंबर अगर आपको सैम बहादुर का रिव्यू भी चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताना. आई विल सी यू रियली सून. बाय.